हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल मारवाड़ी में। सो गाइस, रोज की तरह एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बॉलिंग ट्रिक बताऊंगा। जी हाँ गाइस, आप कहेंगे मैंने बॉलिंग ट्रिक बताई हुई है, लेकिन मैं इस बार स्पिनर्स के लिए लेके आया हूँ। पिछली वाली बॉलिंग ट्रिक मैंने फास्टर के लिए बताई थी, जो आप ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसलिए दूसरी ट्रिक लेके आया हूँ स्पिनर्स के लिए। सो गाइस, सबसे पहले इस लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप नई नई नोटिफिकेशंस के साथ जुड़े रहे। और इस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे घंटे वाले यार बन सको। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कोई भी स्पिनर लेना है। स्पिनर लेने के बाद में आपको प्रीसेट और मैनुअल, दो फील्डिंग होती है। मैं मैनुअल वाली फील्डिंग में एक ट्रिक बताऊंगा और प्रीसेट वाली फील्डिंग में एक ट्रिक बताऊंगा। मैनुअल में आपको ये फील्ड जमानी है, और आपको ज़्यादा पास में फील्डर नहीं रखने, थोड़े से दूर रखने, और एक स्लिप या फिर दो स्लिप रखना है, और आपको टप्पा पूरा पीछे रखना है और कहीं पर भी फेंक सकते हैं, चाहे इसको हाथ खोलने का मौका दे या फिर स्टंप पर। आपको ये गेंद करनी है और पूरा पीछे टप्पा रखना है, कहीं पर भी नहीं पीछे, और ऐसे ये खेलने की कोशिश करेगा आउट हो जाएगा। चाहे वो स्लिप में आउट हो, गली में आउट हो, या फिर कवर में आउट हो, कहीं पर भी ये आउट होगा 100%। ये तो थी मैनुअल वाली ट्रिक। अब मैं आपको प्रीसेट वाली ट्रिक बताऊंगा। रविचंद्रन अश्विन लेते हैं, और आपको सभी फील्डर साथ में रखने हैं, न ही ज़्यादा आगे और न ही ज़्यादा पीछे, बीच में टप्पा रखना है, और स्टंप्स की तरफ स्पिन होता हुआ आसानी से आउट हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो ट्रिक बताई है, इसमें आप गलती करने वाले हैं, वो गलती मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप स्टंप्स की तरफ और बीच में टप्पा रखेंगे तो आपको तो विकेट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप एक गलती कर बैठेंगे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि वापस से मैं आपको विकेट दिला के बताता हूँ, ज़्यादा आगे भी नहीं, ज़्यादा पीछे भी नहीं, बीच में और स्टंप्स की तरफ टर्न होता हुआ नहीं। ये देखिए, यही मैं कह रहा था कि अगर ज़्यादा आगे रखेंगे या फिर ज़्यादा पीछे, इसमें ये गलती थी कि स्टंप्स की तरफ टर्न नहीं हुई गेंद, ये थोड़ी सी बाहर टर्न हुई और आसानी से इसने चौका लगा दिया, और ये भी स्टंप की तरफ टर्न नहीं थी, इसलिए ये शॉट मार रहा है। ये गलती आप देखिए, दोहराइएगा मत। और जैसे कि ज़्यादा भी आगे नहीं करनी है और ज़्यादा भी पीछे भी नहीं करनी है। अब मैं आपको सिंपल ये वाली बॉलिंग करेंगे तो आपको विकेट बनने का चांस होगा। अब मैं जैसे कि वापस से एक और बताता हूँ, ये इतना लेना है, टर्न करना है, स्पिन, ये देखिए ज़्यादा पीछे है तो ये आसानी से शॉट लगा देगा, और बाहर भी थी स्टंप्स से, इसलिए आसानी से शॉट लगा देगा। ये आप थोड़ी सी मिस्टेक देख लीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में लिखने वाले कि ये ट्रिक काम नहीं कर रही है, लेकिन ये 100% काम करेगी जब आप इसके टर्म एंड कंडीशन फॉलो करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और लाइक कर दीजिए। और आप